Hello learners, welcome to Pathway Classes. So today's topic is Higher Education Current Affairs Session. So if you have not seen my videos, because I have already provided most of the current affairs session for June 2020 exam. So if you are preparing for June 2020, you can go and subscribe my channel so that you will get all the notifications about all my courses as well as all my lessons. So guys, agar aap logon ne yahan par mere channel ko subscribe nahi kiya hai, to aap subscribe kar lena mere channel ko, so that aapko saari notifications mil jaye mere courses ki, mere lessons की टाइम टू टाइम, बिकॉज मैं आपको प्रोवाइड कर रही हूँ करंट अफेयर्स सेशन एज वेल एज मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स मैंने आप लोगों को प्रोवाइड कर दिए हैं फॉर पीपल एंड एनवायरमेंट एंड फॉर हायर एजुकेशन. ठीक है, एंड मैंने HRM का जो टॉपिक है वो भी मैंने आप लोगों को प्रोवाइड कर दिया है. तो अगर आप लोगों ने वो वीडियोज़ को नहीं देखा है सो वो देख लेना, बिकॉज ये जो भी वीडियोज़ मैं आपको प्रोवाइड कर रही हूँ ये बहुत ही बेनिफिशियल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, रिलीवेंट टॉपिक्स मैं लेकर आ रही हूँ, सो दैट आपका जो एग्ज़ाम है वो क्रैक हो जाए. ठीक है, सो हम स्टार्ट करते हैं. जो हमारा टॉपिक है आज का वो हमारा है अ मीटिंग ऑन रिसर्च इन इंडियन ट्रेडिशनल नॉलेज सिस्टम. सो बेसिकली अभी एक न्यूज़ आई है, वो आई है हमारी 18th of March में, एंड ये जो नॉलेज, ये जो हमारा इंडियन ट्रेडिशनल नॉलेज सिस्टम की मीटिंग है ये अभी हेल्ड हुई है दिल्ली में. ठीक है, इन ऑन 18th of March द मीटिंग वॉज चेयर्ड बाय द यूनियन ह्यूमन रिसोर्स मिनिस्टर, दैट इज़ HRD मिनिस्टर. कौन है हमारे? रमेश पोखरियाल जी. उनके चेयरमैनशिप के अंतर्गत हुई है ये जो मीटिंग ऑर्गेनाइज हुई है, एंड ही रिव्यूड ऑनगोइंग रिसर्च वर्क फॉर द डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस ऑन द ट्रेडिशनल नॉलेज. सो बेसिकली उन्होंने क्या किया है, रिव्यू किया है अपने रिसर्च वर्क को, कि बहुत सारे डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस में वो डेवलपमेंट हो रहा है, ट्रेडिशनल नॉलेज को डेवलपमेंट मिल रहा है या नहीं मिल रहा है. सो वो बेसिकली उनका मेन एम है इस मीटिंग का. ठीक है, अब हम नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं. नेक्स्ट स्लाइड है हमारी एम्स. एम क्या है इसका, मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया कि इस ये जो मीटिंग थी इसकी बेसिकली एम क्या है. सो द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द मीटिंग इज़ टू इंश्योर द डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी बाय कोऑर्डिनेटिंग द एंशिएंट एंड मॉडर्न जनरल्स ऑफ द नॉलेज. सो बेसिकली यहाँ पर यही बोला गया है कि हमें सोसाइटी में डेवलपमेंट चाहिए, दोनों के कोऑर्डिनेशन में होना चाहिए, दैट इज़ ट्रेडिशनल एज वेल एज मॉडर्न. मॉडर्न एंड ट्रेडिशनल नॉलेज को कोऑर्डिनेशन मिलना चाहिए. ठीक है, दोनों को सेम वैल्यू मिलनी चाहिए. ऐसा नहीं है कि ट्रेडिशनल नॉलेज को नेग्लेक्ट कर दिया जाए और मॉडर्न नॉलेज को लेकर आए. ठीक है, ये नहीं बोला उन्होंने. उन्होंने क्या बोला है कि हमें दोनों को कोऑर्डिनेट करके चलना है. अब इसका मेन हाईलाइट देखते हैं क्या है. द मीटिंग ऑफ हाईलाइटेड द ट्रेडिशनल इंडियन नॉलेज सिस्टम विच स्टूड आउट इन द फील्ड्स ऑफ साइंस, टेक्नोलॉजी, आर्ट, आर्किटेक्चर, कल्चर, मैथ्स, मेडिसिन एंड एसेट्रा. सो बेसिकली बहुत सारे इसमें फील्ड्स में ये डेवलपमेंट हुआ है. ये मीटिंग इसीलिए ऑर्गेनाइज करी है कि बहुत सारे जो ट्रेडिशनल नॉलेज है उसमें हाईलाइट हो पाए. ठीक है, और कौन कौन से फील्ड्स हैं, जैसे कि हम बोल सकते हैं साइंस है, मैथ्स है, आर्ट है, आर्किटेक्चर है, कल्चर है, मेडिसिन है. सो ये सब फील्ड्स हैं. एंड नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं. इट अर्ज द पार्टिसिपेंट्स टू सॉल्व द प्रेजेंट डे प्रॉब्लम्स बाय कनेक्टिंग ट्रेडिशनल नॉलेज टू मॉडर्न रिसर्च एंड इनोवेशन. सो बेसिकली उन्होंने क्या बोला है कि पार्टिसिपेंट्स को ये बोला है कि उन्हें सॉल्व करना है आज का जो प्रॉब्लम है, प्रेजेंट डे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है, लेकिन वो जो कनेक्शन होना चाहिए वो ट्रेडिशनल नॉलेज के साथ कनेक्शन होना चाहिए. ठीक है, एंशियंट नॉलेज के साथ कनेक्शन होना चाहिए, सो दैट वो जो रिजल्ट आए वो पॉजिटिव आए और उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए. ठीक है, सो ये इंपॉर्टेंट है कि हमें ट्रेडिशनल नॉलेज को नेग्लेक्ट नहीं करना है. इस मीटिंग का मेन एम यही है. सो ये हो गया कंप्लीट. अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में. नेक्स्ट स्लाइड में ये इसका नेक्स्ट पॉइंट है हमारा. द मीटिंग अपील्ड फॉर द स्टेप टू प्रमोट रिसर्च इन ट्रेडिशनल इंडियन नॉलेज एंड इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च. सो बेसिकली इन्होंने यही बोला है कि जो भी स्टेप्स हैं प्रमोट करें रिसर्च को, रिसर्च इन द ट्रेडिशनल इंडियन नॉलेज, इंडियन नॉलेज को प्रमोट करना. ठीक है, और बहुत सारे रिसर्च जो फील्ड्स हैं उसमें डेवलपमेंट हो, जैसे कि साइंस हो गया, मैथ्स हो गया, कल्चर हो गया, मेडिसिन हो गया, बहुत सारे जो फील्ड्स हैं उसके अंदर. नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं. लास्ट पॉइंट है ये हमारा. इट रिकमेंडेड फॉर द फ्लेक्सिबिलिटी इन एजुकेशन मॉडल्स. फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए एजुकेशन मॉडल्स में, मटेरियल्स में, हमारा फाइनेंशियल असिस्टेंस में, टू इनवाइट द ब्राइटेस्ट स्टूडेंट्स एंड प्रोफेसर्स फॉर द रिसर्च. सो बेसिकली सो दैट हम क्या कर सकते हैं इसके लिए, स्टूडेंट ब्राइटेस्ट हो पाए और जो भी प्रोफेसर्स होते हैं उनको जो उनको ज़्यादा नॉलेज हो, रिसर्च की ज़्यादा नॉलेज हो, उस उन लोगों को रिकमेंड किया गया है इस मीटिंग में. ठीक है, सो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया है. So that's it, student.
एंड येस, अगर आप लोगों को मेरी वीडियोज़ अच्छी लग रही हैं तो यहाँ पर आप मेरी वीडियोज़ को लाइक कर सकते हैं, मेरी वीडियोज़ को शेयर कर सकते हैं विद योर फ्रेंड्स, विद योर रिलेटिव्स, दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर UGC नेट जून 2020 एग्जाम। एंड येस, अगर आप लोगों को मेरी वीडियोज़ अच्छी लग रही है तो यहाँ पर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं सो दैट आपको सारी नोटिफिकेशन मिल जाए। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।